वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली आप अच्छे होंगे, हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके। आपके सपोर्ट के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्लीच, हम ब्लीच कैसे लगाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो अपने घर की चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को टाइम नहीं होता है, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए ब्लीच हम कैसे लगाए जाते हैं। मैं एक्चुअली ब्लीच कर चुकी हूँ और आपको रिकैप में लेके चलूंगी कि मैंने ब्लीच कैसे करी। तो मैं ब्लीच कर चुकी हूँ, मैंने एक मास्क भी अप्लाई किया है फेस पे और वो दोनों ही बहुत अच्छा है। आप देखिए मेरे फेस का ग्लो, मैंने कुछ भी अपने फेस पे मेकअप अप्लाई नहीं किया है, मैं नेचुरल आपके सामने बैठी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स ओके, आप ब्लीच लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा ब्लीच आप नहीं लगाइए क्योंकि आपकी स्किन खराब होने का डर रहता है। और एक्टिवेटर भी आप थोड़ा संभाल के देखिए। सबसे पहली बात, आप ब्लीच को लेने से पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक कीजिए। एक्सपायरी ब्लीच आप नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा हार्म होगा। मेरे आगे खुद का ही एक एग्जाम्पल है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि आप जो ब्लीच है वो बहुत ध्यान से लगाइए और देखिए, और ब्लीच कैसे लगाते हैं तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है, ये देखिए। वैसे तो मेरे फेस पे ब्लीच की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ब्लीच इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है, ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं इंस्टेंट बता रही हूँ। और हमें किस फेस पे ब्लीच को लगाना चाहिए वो भी मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो मैं ये वाली ब्लीच ज्यादातर यूज करती हूँ, VLCC की इंस्टा ग्लो। तो एक्चुअली क्या होता है कि ब्लीच हमें कोई गोरा करना नहीं बताती है कि हम गोरे हो जाते हैं ब्लीच लगाने से। हमारे फेस में जितने भी बाल होते हैं, अनवांटेड जो ग्रोथ होती है, उसको ये थोड़ा सा गोल्डन कर देती है, जिससे हमारा फेस थोड़ा क्लीन लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लीच लगाएंगे हम तो गोरे हो जाएंगे या फिर काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो लगाते हैं ब्लीच, और ब्लीच लगाने से हमारे फेस तो क्लीन हो जाता है, नो डाउट, लेकिन हमारे फेस का जो ऑयली मतलब मॉइस्चर जो है हमारे फेस का कम हो जाता है जब हम ब्लीच लगाते हैं। तो अपने फेस पे ग्लो आ जाता है लेकिन मॉइस्चर कम हो जाता है। तो मैं उसके लिए अपने फेस पे ये मास्क यूज करूंगी। एक्चुअली ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ, मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी और इंस्टेंट ग्लो का रिजल्ट दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं ब्लीच, और ब्लीच को हैंड टू हैंड लगाना है और हैंड टू हैंड ही अप्लाई करना है। इसको रखना नहीं है कि हम 5-7 मिनट के लिए रखते, नहीं, अच्छे से इसको मैश करके, अच्छे से इसको बीट करके हमें ब्लीच को बनाना है, फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो ये है ब्लीच, इसको मैंने खोल लिया है। इसको सबको हमें नहीं लेना है क्योंकि बस मेरे को फेस पे लगाना है, इसलिए मैं फेस के अकॉर्डिंग ही लूंगी और बहुत हल्की ब्लीच लूंगी, मैं ज्यादा नहीं लूंगी। ये एक्टिवेटर, आपको एक्टिवेटर कितना मिलाना है। एक्चुअली क्या है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं एक्टिवेटर को कम मिलाऊंगी, अगर आपकी सेंसिटिव नहीं है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, एक चुटकी, दो चुटकी और ये बचा हुआ, बस इतना सा मैंने एक्टिवेटर मिलाया है। और इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से हम बीट कर लेंगे। एक ब्रश लेंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, बहुत अच्छे से मिलाना है आपको। इसमें 10 से 20 सेकंड देना है और अच्छे से मिक्स करना है। मैंने फेस वॉश कर लिया है तो ना ब्लीच के साथ ये दोनों आते हैं, प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच क्रीम। तो पहले प्री ब्लीच क्रीम हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये क्रीम इसलिए आती है ताकि हमारे फेस पे ब्लीच का कोई हार्म नहीं हो। ये हमने फेस पे अच्छे से लगा लिए, ये देखिए। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी ब्लीच।
10 मिनट रखना है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप 15 मिनट भी रख सकते हैं। आपके फेस पे थोड़ा सा आपको जलन लगेगा कि फील होगा कि थोड़ा सा जल रहा है फेस, तो कोई इश्यू नहीं है, ब्लीच लगाने से जलता ही है। अगर आपका लगे आपको कि बहुत ज्यादा है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फौरन आप फेस वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका फेस रेड भी हो सकता है। तो सिर्फ 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, और मैं सिर्फ 10 मिनट रखूंगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मुझे 10 मिनट हो गए लगाए हुए और मैं सिर्फ 10 मिनट ही रखूंगी। तो मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और उसमें डाल दिया है अपना स्पॉन्ज जिसे मैं क्लीन करूंगी, और ये थोड़ा सा मैंने रोज वाटर लिया है, इसे मैं अपने फेस पे लगा के और मसाज करूंगी। छूट गई है, बस एक हल्का सा वॉश करके मैं आ जाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। ब्लीच से इंस्टेंट ग्लो तो आता है नो डाउट, लेकिन ब्लीच को ज्यादा लगाना भी अपनी स्किन पे बहुत बड़ा हार्म है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप अगर बहुत टाइम बाद ब्लीच कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं अब इसके ऊपर पोस्ट क्रीम अभी नहीं लगाऊंगी, पहले मैं लगाऊंगी शील्ड मास्क, उसके बाद मैं क्रीम लगाऊंगी। तो आइए देखते हैं। सीरम भी आया है, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, उसको भी हम अच्छे से इस पे ही लगा लेंगे। इसको हमें 15 मिनट्स रखना है और 15 मिनट्स के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। इस पे भी लिखा हुआ है प्योरीफाई हाइड्रेटिंग योर स्किन प्योर टाइटनिंग टिश्यू मास्क। इससे हमारी स्किन भी टाइट हो जाएगी और हाइड्रेट करेगी हमारी स्किन को। और मैंने सुना है ये बहुत अच्छे मास्क होते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज तो मैं ब्लीच के बाद ज्यादातर थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ बस। अब इसको अच्छे से हमने इसको चिपका लिया है, टाइम देख लिया है, और 15 मिनट्स के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं। Look at this. Seriously, मुझे मास्क। ये देखिए ग्लो। ये जो सीरम है ना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, आपको अच्छे से इसकी मसाज करनी है। और ये देखिए ग्लो, मुझे ये शीट मास्क बहुत अच्छा लगा, ब्लीच भी बहुत अच्छी हुई है। ये देखिए बहुत अच्छे से ग्लो आया है और बड़ा बहुत रिलैक्सिंग कंफर्टेबल लगा है। जब लगाने के बाद आराम मिल रहा है। 15 मिनट मैंने एक्चुअली इसको लगाया है, लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग हो गई है स्किन भी और खुद को भी बहुत अच्छा लगा। और एक टिप्स और देना चाहूंगी मैं, जब आपको अपनी आईब्रोज की ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आए और आपने सोचा हो कि मुझे आईब्रो बनवानी है, तो थ्रेडिंग बनवाने से पहले ही आप ये सब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थ्रेडिंग बनवा लेंगे तो बहुत ज्यादा इचिंग होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा ब्लीच लगाने के बाद। थ्रेडिंग मतलब क्लीन कराने के बाद ब्लीच लगाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उससे पहले जरूर कीजिएगा। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी सब चीजों के साथ, और मैं कहीं जाने वाली हूँ तो ये एक सस्पेंस है, जो थोड़ा सा आप इसको सस्पेंस ही रहने दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलते हैं, बाय बाय।